way too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day was over. गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनाई ट्विंस मॉम वर्ल्ड, आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ मेरा एक न्यू ब्लॉग लेकर, जो मेरा डिनर का आज रेसिपीज है वही मैं आज शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मेनी मेनी थैंक्स, क्योंकि मेरा जो ट्विंस का जो प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो मैं डाले थे वो बहुत आप लोग देखे, बहुत सपोर्ट किए, आप लोग बहुत पसंद भी किए, उसी लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। तो आप लोग ऐसा वाला मतलब कोई ट्विंस रिलेटेड कुछ हो या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो या ऐसे कि मैं अकेले दो ट्विंस बेबी गर्ल को कैसे संभालती हूँ, कैसा होना चाहिए, खाना कैसे खिलाना, या जो भी हो मतलब कुछ पेरेंटिंग वाला या कुछ भी, आप लोगों को ऐसा वाला वीडियोस मेरे साइड से आप लोगों को सुनना चाहेंगे या जानना चाहेंगे मेरा जर्नी कैसा था, तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। और भी आप लोगों को एक बात बोलना है, तो मेरा अभी जो रेसिपीज मैं जा रही हूँ शेयर करने के लिए वो है आलू का पराठा। तो मैं सीखी हूँ एक यूट्यूब से ही, मैं इस वीडियो को सीखी हूँ। मैं इससे पहले बहुत सारा तरीका भी मतलब बहुत सारा यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस देख के ही मैं बनाती थी, बट मेरे को लगा ये रेसिपी सबसे ईजीएस्ट वे में बन जाता है। तो आप लोग इसको टिफ़िन रेसिपीज़ में भी डाल सकते हैं, बच्चा का टिफ़िन में कोई दे रहा है उसमें भी डाल सकते हैं, ऑफिस का टिफ़िन में भी आप लोग इस रेसिपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं वही बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग ये जो रेसिपीज़ मैं अभी बनाने के लिए जा रही हूँ इसी रेसिपीज़ को एक बार घर में ट्राई करना, उसके बाद मेरे को आके बताना कैसा बना। और मेरा लाउसक का जो पोस्तो रेसिपीज़ है या और भी पनीर दो प्याज़ा चिकन कसा, इस रेसिपीज़ को भी आप लोग बहुत पसंद किए, बहुत देखे आप लोग, शायद आप लोग घर में भी बनाए, कैसा बना मेरे को पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ भी रेसिपीज़ बंगाली हो या कुछ नॉर्मल वाला कुछ रेसिपीज़ आप लोग मेरा हाथ से देखना चाहेंगे या मेरा मुँह से सुनना चाहेंगे, तो आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज मेरा जो रेसिपीज़ है वो आप लोग देख लीजिए, और वीडियोज़ को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए, और वीडियोज़ को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ईसाइना का कुछ मतलब छोटा मोटा क्लिपिंग्स डाले हैं जो बहुत फ़नी है, देखने में बहुत फ़नी लग रहा है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए भी मैं डाली हूँ और मैं स्टोर करने के लिए भी डाली हूँ, जब उन लोग बड़ा हो जाएंगे शायद इसी हिसाब से उन लोग भी थोड़ा बहुत देख पाएंगे। तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे विथ मी एंड देखते रहिए मेरा नया वाला जो रेसिपीज आने वाला है उसको। बाय बाय, गुड नाइट। मैं आ गई हूँ मेरा स्वीट सा छोटा सा किचन में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। मैं चार पीस बनाऊँगी, इसीलिए मैं चार पीस ही पटाटो लिए। उसमें मैं पटाटो में मैं लेंगे नमक, ग्रीन चिलीज, और ये मेरा घर के बना हुआ एक रोस्टेड मसाला जिसमें है जीरा, गोलमरीच, गोटा गरम मसाला, तेज पत्ता। बस जीरा को रोस्टेड कर लेना, मतलब जो ड्राई कढ़ाई होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसको मिक्सी में जाके पेस्ट कर लेना। मैं ये इसमें मैं इसको भेज में बनाऊंगी, इसीलिए मैं प्याज नहीं लिए। जो लोग नॉन वेज में बनाना चाहेंगे उन लोग इसके ऊपर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो पोटैटोज़ है उसको हाथ से अच्छे से भून लेती हूँ, जैसे कि इसमें थोड़ा थोड़ा
मतलब थोड़ा सा भी मतलब ये जो कच्चापन रहता है वो नहीं रहेगा, अच्छे से मैश कर लेना है। मेरे पास पोटैटो मैसा नहीं है इसीलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आप लोगों को पास पोटैटो मैसा रहेगा तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो मैं 4 पीस बनाऊँगी, उसी का हिसाब से मैं मैदा लिए हूँ। आप लोग जितना बनाना चाहेंगे उसका हिसाब से मैदा ले लेना और उसका हिसाब से पोटैटोज को क्वान्टिटी को थोड़ा सा मतलब कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसी टाइम आप लोगों को और एक बात बताना चाह रही हूँ, ये आप लोग ये जो पोटैटो से जो पानी निकलता है उसी पानी में ही आप लोग ये मैदा को भून लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बाद में पोटैटो से पानी निकल के आएगा और उसमें ये मतलब जो बोल मतलब जो डो है वो बहुत मतलब लूज हो जाएगा, तो आप लोगों को बेलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो पोटैटो का पानी है उसमें से ये डो को बना लिए। देखिए ये डो बन के रेडी भी हो गया और बहुत अच्छा से बने, ये लूज भी नहीं हुआ ऐसा। इसके बाद मैं इसको 4 छोटा छोटा पीस कर लूँगी, मतलब हम लोग जैसा खाएंगे उसी के हिसाब से हम लोग इसको पीस कर लूँगी। तो ये मेरा जो पीस है वो बन के रेडी है। और एक बात आप लोगों को इसी टाइम बताना चाहूँगी, आप लोग जब खाएंगे तभी इसको मतलब साथ ही साथ बना के खा लेना। इसको स्टोर करके रखने में पोटैटो से फिर से पानी निकाल के आ जाएगा और डो जो है वो बहुत पतला हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी मेरा जो बेलना चक्की है उसको लेकर आ गई हूँ। देखिए ये अच्छे से मतलब बेल भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है वो बेलन में लग रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे से बेल रहा है। और मैं मैदा का हिसाब से इसको गोल कर रही हूँ। आप लोग जो जो ऑयल भी मतलब जो लोग वाइट ऑयल यूज़ करते हैं वाइट ऑयल से भी, जो लोग आटा यूज़ करते हैं आटा से भी आप लोग कर सकते हैं। मैं मैदा से की हूँ क्योंकि मैं मैदा में ही कम्फर्टेबल हूँ। तो देखिए मैं गैस के ऊपर मेरा जो फ्राइंग पैन है उसको चढ़ा दिए, गैस का फ्लेम को ऑन भी कर दिए। फ्राइंग पैन तो ऑलमोस्ट गर्म हो गया, तो उसके ऊपर मेरा जो पराठा है उसको मैं डाल दिए हैं। इसको अच्छे से आप लोग इन दो ही साइड से इसको मतलब ड्राई कर लेना। मैं कर लिए दो ही साइड से ऑलमोस्ट। देखिए आप लोग इसके थोड़ा थोड़ा करके इसको रेड जो मतलब बर्न आता है थोड़ा थोड़ा आ गया। मैं इसी टाइम पे वाइट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग वाइट ऑयल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग घी से भी कर सकते हैं। मैं वाइट ऑयल से ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ, हम लोग वाइट ऑयल पीना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं वाइट ऑयल से इस खाना को बना रही हूँ। आप लोग घी से भी बना सकते हैं, घी से भी अच्छा स्वाद आता है, अच्छा खुशबू भी आता है। तो देखिए ये देखने में बहुत सुंदर होता है और देखिए थोड़ा सा रेडिश कलर आ गया, ये देखने में सुंदर आता है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। चलिए धीरे धीरे मेरा जो 4 पराठा है वो बना लेती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट 4 जो पराठा है वो बन के रेडी हो गया था, उसको स्टोर कर दिया। अभी मैं आ गई हूँ मेरा हस्बैंड को ये पराठा खिलाने के लिए और आप लोगों को उसका रिव्यू दिखा देती हूँ। देखिए ये पराठा मैं 2 घंटा पहले बना के कैसरोल में जाके स्टोर कर दिए थे, देखिए वो अभी भी कितना सॉफ्ट। देखिए इसको मैं अचार के साथ इसको मैं सर्व कर दूँगी। शायद सबको इस रेसिपी पसंद आएगा, आप लोगों को इस रेसिपी पसंद आएगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर इस रेसिपी को घर में बना के ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बनता है। हम लोग इसको अचार के साथ भी खाते हैं और आप लोग दही या रायता के साथ भी खा सकते हैं। देखिए वो आ गए, मैं उसको सर्व कर देती हूँ। और उस कैसा लगा? ठीक है ना माँ? बहुत अच्छा होगा। ठीक है चलो बाय, गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट, आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू।